इनके चरणों में प्रणाम करता हुआ आज का यह शिविर इसे सर्व कार्य सिद्धि 64 योजनी साधना शिविर का नाम दिया गया है। इस साधना में आज सोमवार अष्टमी है, कृष्ण चतुर्थी है और हम माता को चतुर्षष्ठ योगिनी माता के लिए किस साधना क्यों करनी चाहिए और चतुर्षष्ठ योगिनियां कौन है, इसका फल क्या है, इसके बारे में तो बताता हूँ। इससे पहले मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने साधना मार्ग ही क्यों चुना। साधना मार्ग इसलिए चुना कि हमारे पास साधना और तपस्या चले जाने के कारण ही आज यह स्थिति है। हम चाहते हैं कि गुरु मिले या भगवान मिले या कोई मिले, हम जाए दर्शन लें, हमारा काम हो जाए। हम नहीं चाहते कि हम तपस्या करें, हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर की शुद्धि हो। इधर भगवान की मूर्ति या भगवान को पूजा करें, नारियल थोड़े बाहर आते फिर झूठ बोलना शुरू या अपने कर्म में अपने कर्मों में हम लीन होना शुरू, यह कब तक चलेगा, हम कब सफल होंगे। हमारे जीवन में हमें मिलने के बाद भी, हमारे से प्रार्थना करने के बाद भी लोगों को यह पता चले कि हाँ इस आदमी से मिलने के बाद हमें सुख मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आज हम बहुत सारे घरों में यह देखते हैं कि पति पत्नी भाई भाई पिता बच्चा सास बहू ये सारे घरों में अशांति का कारण बने हुए। क्या पहले नहीं थे? ये पहले भी थे और इनके घर में पहले अशांति क्यों नहीं थी, पहले शांति क्यों थी और आज अशांति क्यों है? क्योंकि हमने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है, साधना का मार्ग छोड़ दिया है। गुरु जी ने कहा है कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है और हर समस्या को हम साधना के मार्ग से पूर्ण कर सकते हैं, सफलता ले सकते हैं। लेकिन हमने उस मार्ग को बताने वाले गुरु नहीं रहे ना तपस्या करने वाले लोग रहे। गुरु जी ने कहा कि तुम सिद्ध बनो, किसी के चरणों में जाकर यह पूछना नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करने से ठीक होगा, या मुझे कोई आप हर एक आदमी 50 गुरुओं के पास भी घूमो तो 50 गुरु 50 तरीके के आपको साधना या सफलता का मार्ग बताएंगे। कोई बोलेंगे बालाजी जाओ, कोई बोलेंगे हनुमान जी जाओ, कोई बोलेंगे नवग्रह की पूजा करो, कोई बोलेंगे नारायण नामपुरी करो। लेकिन क्या आप इन सभी के प्राप्त होने पर भी आप सिद्ध है, आपके घर में शांति है, आपने जो चाहा है वो हुआ है, ये प्रश्न जब तक हमें छूटता नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें किस तरह सिद्ध करना है, हमें किस तरह इस प्रश्नों से छुटकारा पाना है, ये हमें जानना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इतने ज्यादा की साधना करनी है, स्टार्ट की साधना करनी है या एक साथ साधना करनी है, तो तुम्हें करने की उतनी इच्छा या उतना तुम्हारे में सहन शक्ति नहीं कि उतने दिन करें। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी आयु एक जमाने में रामचंद्री के जमाने में आयु 10,000 साल, कृष्ण के जमाने में कहते थे 1,000 साल हुई और इस जमाने में 100 साल हुई, लेकिन 100 साल में हमारे 40 साल की बीमारियों ने खा लिया, हम 60 साल जीना भी हमें मुश्किल हो गया है। 60 साल भी ठीक तरीके से जीना हमारे जीवन में कठिन हो गया है और उस 60 साल में अगर बीमार ग्रस्त हुए या अपने बच्चों की परेशानियों में रहे तो साधना का मान हमें नहीं मिलता। हमें क्या करने से इस मार्ग से हम छुटकारा पाए और हमारे जीवन में छोटे से जीवन में 60 साल एक बड़ी जीवन की लंबी आयु नहीं, लेकिन 60 साल में भी अगर हम सुख शांति से जिए इसके लिए क्या करें। हम तो 40-40 दिन साधना करना या 60-60 दिन साधना करने में रहे, 11 दिन भी करो बोलने पर मुझे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, गुरु जी क्या उपवास करना है, क्या एक बार खाना खाना है, क्या वही कपड़े पहनना है, क्या इतनी ही माला करना है, क्या सुबह करना है या शाम में करना है, घर में बैठ के कर सकते हैं या बाहर बैठ के कर सकते हैं, आप फैन लगा रह सकते हैं, आप कूलर लगा सकते हैं, अरे तपस्या कर रहे हो, तुम्हारे शरीर को ताप दो, तुम्हारे शरीर में माता पार्वती शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पहले एक समय का खाना छोड़ा, बाद में दूसरी बार पानी पीकर रहने लगी, तीसरी बार फल खा के पानी पी के बाद में हवा खाकर हवा भी लेकर तपस्या करके जब सूखी हो गई तो तब कहीं उनको शिव जी प्राप्त हुए। ये हमारे पुराण शिव पुराण आदि कहते हैं पार्वती माता जैसी कोई शिव को प्राप्त करने के लिए इतना सब करना पड़ा। हम तो एक मिनट के लिए भी ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई ऐसा हो कि गुरु जी उपवास कहे या गुरु जी कहे 10 घंटे साधना करने के लिए बैठो बोले तो हम साधना करने के योग्य है, साधना करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो उस साधना के लिए तुम्हारे जीवन में सफल बनना चाहते थे
मैं भी तुम्हारे जैसा ही गुरु जी के शिविर में ऐसा ही बैठा करता था, लेकिन जीवन में एक जिज्ञासा थी कि संसार में मुझे कुछ करके बताए, मैं चार लोगों के लिए उपयोगी बनूं। मेरा बहुत सारे लोग मुझे आज 20 साल पहले मुझे देखे, मैं भी नौकरी करता था, मेरे पास एक जिज्ञासा थी कि प्रभु मैं आपके नाम से मैं 10 लोगों को अगर कुछ प्रसन्नता दे सका, मैं सुबह से शाम तक ये करते हुए प्रश्न करता हूँ रात में सोते समय कि आज मेरे तरफ से कितने लोग दुखी हो गए और आज मेरे तरफ से कितने लोग सुखी या प्रसन्नता हो गए। इसके ऊपर से मैं जीता हूँ कि प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास जो भी आए उसे अनुभव करे, प्रसन्नता अनुभव करे, और जितने भी प्रसन्नता दे सका उसे। गुरु जी को यह धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से, आपके इस कृपा से मैं साधना के मार्ग में चला और आज आश्रम में हूँ। सब लोग जानते हैं कोई भी आश्रम में आते हैं तो उसे लोग खाना खाते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। एक बार आश्रम में प्रवेश कर गया तो उसको न सोने की चिंता है, न खाने की चिंता है, केवल साधना कर सकता है, साधना करना चाहिए। किस प्रकार मैंने उस आश्रम का निर्माण करके सद्गुरुदेव जी की कृपा से किया है। हम अपने घर में कोई आए तो हम दो दिन अगर कोई रह गया तो हमारे में एक बेचैनी हो जाती है, जो अभी इतने दिन रह रहा है क्या करने वाला है। हम दो दिन किसी को किसी के तरीके से खाना नहीं खिला सकते। ये हमारा जो तब तक हमारा बच्चा भी पिता का बेटा भी बड़ा हो गया, उसको नौकरी नहीं आएगी तो आज तक के माता पिता इतना बताते हैं कि नौकरी नहीं करता है कैसे जिंदगी गुजारेगा, क्या करेगा। इस स्थिति में ऐसी स्थिति होने पर हमारे जीवन में हर एक आजकल के पति हो पति हो, अगर पति नौकरी नहीं करता है तो पति का रोज रोज से लगा होता है कि तुम्हारे हम ऐसा कितने दिन जिएंगे। यह हमारे जीवन का एक दुर्भाग्य है कि हम आज तक भी एक तरीके से सेटल नहीं हो सके, एक तरीके से सफल नहीं हो सके, एक तरीके से काम नहीं हो सके, ऐसा जीवन कितने दिन जिएंगे। हमारे जीवन में कुछ ऐसा भी हो, आज सपोज नौकरी भी मिली तो फिर उसका पास की तरफ से कोई परेशानी या नौकरी में कुछ परेशानियां, ये सारी चीजें चल रही, फिर हम क्या करें, किस तरह जिए और किस तरह जीने के लिए हमें कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए। कौन से देवता की आराधना करने पर हमारे जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त हो कि हम मार्ग चलते रहें और मार्ग में अड़चन आए भी तो अड़चन दूर होने की क्षमता हो। मैं थोड़ा सा अड़चन आते हैं किसी गुरु के पास, किसी देवता के पास जाते हैं, मेरे अड़चन दूर करो, क्या वहाँ जाने के बाद अड़चन दूर होती है? हमें पता नहीं कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। यह बात रावण जो बहुत तपस्वी था, जिसने पुलस्त्य महर्षि का होता था, पुलस्त्य सात मानस ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों में से करके और उनका होता था रावण, रावण पुलस्त्य जी के पास गया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जिंदगी दरिद्र जीवन जिंदगी नहीं जीना चाहता, या तो मैं अच्छा जीवन सामर्थ्यवान जीवन जीऊंगा नहीं तो ये मार्गों में यही मरने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए। किसी ने कहा शिवजी की आराधना करो, शिवजी हमारे देवता हैं, भोलेनाथ हैं, तुम जो भी चाहोगे वो देने के लिए तैयार है। ब्रह्मा हमारे पितामह प्रपितामह हैं, ब्रह्मा से पूछने पर ब्रह्मा जी ने भी कहा अगर तू सचमुच धनवान बनना चाहता है, सामर्थ्यवान जीना चाहता है, तेरे जीवन में कुछ कमी न हो ऐसा जीना चाहता है तो तू शिव भोलेनाथ शिव जी की आराधना कर। रावण आया और उसे एक उसके दिल में एक बात रह गई कि रावण ने कहा कि शिव जी की आराधना तो कैसे करूं, क्या ओम नमः शिवाय जप करने से मैं सिद्ध हो जाऊंगा, शिव जी मेरी बात सुनेंगे, क्या करने से मेरे जीवन में सफलता मिलेगी। वो बार बार ये सोचता गया और अपने पास गया, फिर अपने पितामह के पास गया और बोला कि पितामह मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है शिव जी क्या करने से प्रसन्न होंगे, किस तरह पूजा करने से, किस तरह आराधना करने से प्रसन्न होंगे। उन्होंने कह दिया कि शिव जी को आराधना कर, शिव जी को आराधना किस तरह करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि शिव जी कैसे प्रसन्न हो सकते हैं और क्या करने से प्रसन्न हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा उससे पहले शक्ति की आराधना कर, माता पार्वती है, माता पार्वती को प्रसन्न करने से शिव जी प्रसन्न हो सकते हैं और शिव जी मार्ग प्रदान सकते हैं। जब माता पार्वती जी की साधना करने के लिए शांकरी देवी नाम से आज भी लंका में शांकरी देवी शक्ति के नाम से जानी जाती है, माँ शांकरी देवी की आराधना उन्होंने आरम्भ किया और कहा कि माता मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी साधना करने से सामर्थ्यवान करूंगा, ऐसा जीवन कि कैसे कभी मुझे कुछ किसी को पूछना ना पड़े, मैं ही किसी को दूं तो मैं दे सकूं और मैं एक ऐश्वर्यवान जीवन जी सकूं, दरिद्र जीवन समर्थ जीवन नहीं, न मेरा बेटा कभी बीमार हो, न मेरे बेटे को किस प्रकार की असमर्थता हो, मेरा बेटा भी हो तो शानदार सम्पन्नवान हो, मेरी माँ मेरे भाई बहन सब सम्पन्नवान हो गया, ये हमारा जीवन हमारा एक गर्व ऐसा हो तो इसके लिए मुझे क्या करना। तो हमारा माता शांकरी देवी की आराधना करने लगा तो शांकरी देवी ने कहा कि रावण तुम्हें ये बात कही, मैं शिव और शक्ति इन दोनों का योग जो होता है
हम जब आंदोलन करेंगे आंदोलन करेंगे तो हमारे हर एक ध्वनि से एक योग उत्पन्न होगा, एक योगी शक्ति उत्पन्न होगी और वो योगी शक्ति को शत्रु के लिए पास करे बस में कर सकता है तो ये पास हो सकता है। तो ये योगी शक्ति को या तुम्हारे को किस प्रकार देखा भी रावण को बहुत गुस्सा आया, इस जीवन से तो अच्छा है मर जाना ही ठीक है। उन्होंने अपना एक एक सिर काटना आरम्भ कर दिया, 10 सिर वाला रावण था तो उसने एक एक सिर काट कर शिवजी के चरण में अर्पित करते गए, फिर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो उसको लगा कि अब आखिरी एक बार कह दूं, या तो मैं जीता हूं नहीं तो कैलाश को हटा देता हूं। और उन्होंने अपने बल से कैलाश को हिलाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी, कैलाश हिलने लगा, वो अपने कैलाश को अपने सर पर उठाना चाहता था। जब कैलाश हिलने लगा तो माता पार्वती ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, सारा कैलाश हिल रहा है, इसका बात क्या है? तो शिवजी ने जब ध्यान से देखा तो रावण नाम का पुरुष का प्रपोत्र वह तपस्या में है और अपने कैलाश को हिला रहा है। तब रावण ने रावण के ये कहने पर के रावण ऐसा क्यों कर रहा है, कैलाश चले गए तो माता पार्वती आगे हिल रहे हैं, हम गिर जाएंगे कुछ देखो तो शिवजी ने जोर के साथ अपना पांव दबाया और रावण उसके नीचे दब गए। जब दब गया तो रावण ने कहा शिवजी मैं मरूंगा लेकिन एक बात याद रखो, मैं जीऊंगा तो श्रेष्ठ सामर्थ्यवान होकर लेकिन मैं यह काम नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उन्होंने कहा कि तू क्या चाहता है भैया, पार्वती शांकरी देवी ने कहा है कि तुम्हारे तांडव करने से एक श्रेष्ठ दिव्य शक्ति उत्पन्न होगी और वो दिव्य शक्ति मुझे कभी भी मार्गदर्शन देगी, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। तब शिवजी के इस कहने पर शिवजी ने देखा कि यह तो छोड़ने वाला नहीं है और शिवजी ने तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। उस तांडव की ताल पर आपको अगर पता है तो शिवजी का तांडव स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र, और शिवजी के तांडव स्तोत्र में शिव जब रावण ने तांडव स्तोत्र का आरंभ किया आज भी वो तांडव स्तोत्र देवता भी उच्चारण करते हैं जिससे शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा गया रावण अपने जीवन में कैसा भी था लेकिन तांडव स्तोत्र के बोलने के बाद शिवजी जब नृत्य करने लगे तो माता पार्वती उनके साथ योग करने लगी, माता पार्वती भी उनके साथ नृत्य करने लगी तो एक एक बताया कि हमारे जीवन में क्या करना है और शिवजी प्रसन्न होकर जब करने लगे तो चौसठ योगी ना जैसे बाहर आए तो शिवजी के कोई चरणों में जाकर रावण ने नमस्कार किया, कहा प्रभु आप बताओ मुझे आगे क्या करना है। तो तुम्हें उन्होंने कहा तेरे पितामह ने जैसा कहा है पुरुष के विषय ये चौसठ योगिनियां तेरे साथ रहेगी, तेरे जीवन में ऐसा मार्गदर्शन करेगी कि तेरे को कभी हारना ही नहीं पड़ेगा, तू जीवन में हारेगा नहीं, तो जब तक इन सब इनकी आराधना करेगा ये हर तरह की हर तरह का मार्गदर्शन करने लगी। पहले उसने कहा कि मैं सामर्थ्यवान जीने के लिए क्या करना है, तो जोसेफ योगी ने कहा इस संसार में सामर्थ्यवान एक ही है, लंका का लंकाधीश कुबेर है जो तेरे भाई का पुत्र है और उसने सोने की लंका बनाई है वहां है और उस सोने की लंका में कुबेर रहता है। तो राम ने कहा मुझे क्या करना है, अगर तू कुबेर को जीत सकता है तो लंका को जीत सकेगा, तो डायरेक्ट उसको चाहिए था कि मैं अच्छे से घर में एक अच्छा घर बांधने के लिए तो टाइम लग जाएगा, तो इसे क्या है कुबेर को ही हरा दो। गया कुबेर को युद्ध में हरा दिया, कुबेर की पत्नी को उठा के लाया और कुबेर को बोला तू यहाँ से देख आ जा ये लंका से मेरी जीत गया और स्वर्ण की लंका को कुबेर के पास से लिया वो राज्य करने लगा। उसके कहते हैं कि जैसा ही योगिनियों को बात किया योगिनियों को कहा कि अब ये बता कि कल के दिन मैं किससे शादी करूं, तो उन्होंने कहा नाग कन्या है मंदोदरी
उसके साथ तो शादी करता है तो तेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि वो समुद्र में रहती है और उसके पास अमृत तुझे जीवन है। वो अमृत वो आएगी तेरे तुझे, तू बहुत साल जिएगा, तेरे पुत्र भी होंगे तो बहुत साल जिएंगे। कहते हैं कि रावण 100,000 वर्ष जिया और रामचंद्र जी 10,000 वर्ष। इस दोनों में देखो कि कितना अंतर है। और रावण 100,000 वर्ष जीकर भी सामर्थ्यवान किया, कभी किसको किसी के सामने भीख नहीं मांगा, कभी किसी के सामने कुछ मांगने की स्थिति नहीं आई, और चार लोग उनको देने के क्या करते रहे। तो जैसे शिवजी को उसने मंदोदरी के साथ शादी हुई तो उसने अच्छे पुत्र की कामना की, कहा कि मेरा जो पुत्र होगा वो देवताओं को हराने वाला पुत्र कहा जाए। और उनका पहला पुत्र हुआ मेघना, तो मेघों की गर्जना के साथ हुआ, और वो इंद्र को जीतने वाला कहने के कारण उसको इंद्रजीत कहा गया। और वो इंद्रजीत पुत्र हुआ, उसी तरह उसके भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण को तपस्या के लिए भेज दिया और कुंभकर्ण को कहा कि तू ऐसी साधना कर जिसे तुझे संसार में श्रेष्ठ हो। इंद्र तो पुत्र तो इंद्रजीत कहलाया गया, अब तू इंद्र आसन को ही मांग ले, इंद्र के आसन को मांग ले। और तो इंद्र को कह रहे तेरे अक्षर आसन की प्रदान करें। जब कुंभकर्ण साधना करने बैठा तो इंद्र पहले ही हार गया था। इंद्र ने जाकर भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, रावण तो हमारे को पूरी तरीके से हरा देगा, क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी की तरफ देखा और कुंभकर्ण क्या चाहता है, उसने कहा इंद्र आसन चाहता है। सरस्वती तू जाकर उसकी जीभ के ऊपर बैठ जा। सरस्वती माता ने कहा क्या करना है, जीभ के ऊपर बैठ जा और वो जो मांगता है उसको जरा पलटा दे। कुंभकर्ण पूरी तपस्या करते रहा और उसने कहा ब्रह्मा जी के साथ प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वह जब इंद्रासन कहने वाला था लेकिन सरस्वती माता जैसे जीव पर जाकर बैठी, इंद्रासन देखा जैसे निद्रासन था। और कुंभकर्ण कभी भी सोता था जीवन में, इंद्र के जाए ना कहना एक ही बात हुआ निद्रासन में प्राप्त हुआ, कुंभकर्ण सोता ही रहता है, ऐसे सबको बताया। तो उन्होंने इस प्रकार 64 योगियों को वो उतना विशाल कहा था कि उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं। आज भी कहते हैं कि जब रावण पूर्ण तरीके से जीता, कहा रावण को श्री रामचंद्र जी जब मार दिया, ये मार देने के पीछे भी एक कहानी है। जब लंकिनी की जो द्वारपाल थी उसने उसको बहुत ही सपने पड़ते थे, तो जटा उसका नाम था, उसको सपने पड़ते थे और उसने रावण को कह दिया था कि तू शांकरी देवी की तरफ लक्षण नहीं दे रहा है, तुझे मार्गदर्शन खो रहा है, तू मार्गदर्शन अगर खो जाएगा, शांकरी की पूजा नहीं करेगा, सर्वश्रेष्ठ की तुझे मार्गदर्शन जाएगा तो तू हार जाएगा। उसने सपने में देखा कि एक वानर आया है और जब वानर प्रवेश करेगा वो लंका को दग्ध कर देगा। यह बात करने वाले रावण ने कहा बहुत 100,000 वर्ष लिया, रोज मेरे सारे सैनिक आदि मेरे जितने भी है वो लोग सोने की थाली में खाते हैं और थाली खा के रखते हैं समुद्र में फेंक देते हैं, सोने की थाली को रोज खाते, ऐसा ऐश्वर्य था उसके पास, ऐसे द्रोण थी, ऐसे ऐसा जीवन था। यह वही रावण जो अपना जीवन इस तरह जीने वाला, उसके शांत के साथ जीने वाला, उसने कहा कि बहुत जी लिया, अब मरना चाहता हूँ। उसके जीवन में इच्छा हुई कि मैं मरना चाहता हूँ। तो उस कुबेर का उसको शाप था कि रावण तुझे मेरे पत्नी को मेरे राज्य को दिया है, जिस दिन तू किसी भी सती या अच्छी स्त्री को बिना उसके मर्जी के खिलाफ अगर उसको किसी भी तरह का अगर दुख देता है तो तेरा मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। और उसको उतना ब्रह्मत ने रावण अपने मृत्यु को चाहने वाला, उसने सीता को उठा के लाया जो सती थी। लेकिन सीता को उठा के लाते समय भी उसने कहा कि सीता तो साधवी है, उसे उठा के कैसे लाए। रावण चाहता तो उन्हें नव ग्रहों को भी उसने एक दिन ब्रह्मा जी ने आकर कहा रावण तेरे कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, शनि इस समय में अगर इस तरह आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा तो अष्टम से आएगा तो मर जाएगा, तुझे गुरु का यह दोष है, ये यहाँ जाएगा तो तेरा मर जाएगा। उसने कहा इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है। तो 64 योगिनी ने कहा कि हे रावण तू ग्रहों को तेरे अंकुर स्थिति में बिठा देना, जहाँ जहाँ बिठाना है। तो उसने शनि महाराज को उठा के अपने अंकुर सप्तम स्थान में रख दिया, वो गुरु को लेकर पश्चिम स्थान में रख दिया और कहा तुम मेरे पास आ पड़े हो, जब तक मैं नहीं कहूंगा यहाँ से हिलना नहीं, सब ग्रह मेरे अंकुर हो जाए। सभी को ऐसा कर दिया, उल्टा कर दिया। परसों से शिव जी ने कहा अब तुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता। यह बात जब पता चली तो स्वयं देव भगवान के यह आश्चर्य करके रह गए कि इसके साथ सारे ग्रह अनुकूल है, सारे ग्रह इसको कोई बिगाड़ नहीं सकते। तब आपको पता है नारद महर्षि बैठे थे और नारद महर्षि ने एक बार किसी के कहने पर कहा कि कुछ न कुछ ये रावण सुनने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सुना तो रावण को कोई हरा नहीं सकता, उसके ग्रह सारे अनुकूल है, किस तरह करना चाहिए। तब नारद मामले गए और कहा कि रावण तू तो महान शक्तिशाली है लेकिन मेरे को यार एक बात समझ में नहीं आया, क्या बोले तू इतना महान
शनि और उसको सबको उल्टा करके उसकी शनि की दृष्टि मिले नहीं हो ऐसा रखा उसको उल्टा करके सुधा दिया है। वो शनि कहता है कि अगर रावण में ताकत है तो मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ने में फिर देखता हूँ ऐसा कहा। शनि ने ऐसा कहा चलो आज ही लाता हूँ मुझे शनि को उल्टा कर दिया। जैसे ही शनि दृष्टि पड़ गई सीता को उठा लिया है और रामचंद्र जी के साथ युद्ध हुआ और मर गए। अपनी दृष्टि इस प्रकार खराब होने के बाद कहने पर भी नहीं सुनने के बाद उसको उस तरह की राम सीता को उठा के लाने समय भी उसने शिवजी ने कहा था अगर तू इसी वेश में जाएगा और तो सीता को नहीं ला सके वो सात्विक स्त्री है उसको छू भी नहीं सकेगा उसको उसके दृष्टिपात भी नहीं कर सकेगा। तब उनको जन्म वेश का धारण करते हुए सीता को उठा के लाना था और उनको बिना छुए गए। तो ये रावण की तरह इसलिए बता रहा हूँ कि इस रावण ने जब एक बार पूर्ण महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत युद्ध में पूर्ण सब जीतने के बाद कुरुक्षेत्र में सारे लोग मर गए तो श्री कृष्ण के पास वशिष्ठ उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर तुम्हें इतना भी अकेला अश्वमेध यज्ञ करो। कहा अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पैसा कहाँ है प्रभु। कृष्ण ने कहा पैसा मेरे पास कहा है अश्वमेध यज्ञ करो कहाँ है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें तो एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या लंका के पास चले जा लंका के पास जाकर समुद्र में तुम ढूंढ ले तो तुझे बहुत सोना मिल जाएगा। बोले कहे का सोना। अरे रावण रावण के जमाने में उसके घर के उसके राज्य में जो खाना खाते थे सोने की थाली में खाना था वो सोने की थालियां सब लंका के पास पड़ी हुई वो सोना उठा के ला अश्वमेध यज्ञ कर और उस सोने को उठा कर लाकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इतना सोना था रावण के पास। तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में अगर हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरे जीवन में मार्गदर्शन कैसा हो बिना पूछे अपने को इसका मार्गदर्शन हो कि मैं बहुत सारे लोग नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ तो कौन सा करूँ नौकरी करूँ तो कौन सा करूँ बीवी लाऊं तो कैसे बीवी लाऊं गुरु जी कुंडली है देखो ये बीवी अच्छी है क्या ये सारे प्रश्न आपके पास निरंतर सुनते रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसा जीवन ना है। आज आप अगर हम आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे मंदिर आप बहुत सारे देखते हैं कि अपने से सनातन धर्म के विरुद्ध जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे वो लोगों ने बहुत सारे मंदिर तोड़े। लेकिन आप अगर कहीं छत्तीसगढ़ के प्रांत में गए तो वहाँ छत्तीस किले थे 36 राजा थे। आप वहां जाकर कहीं भी देखो आपको कोई भी मंदिर टूटा वहां नजर नहीं आएगा। और छत्तीसगढ़ में 12 घाट से लेकर वहाँ 3600 शिवजी के मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं है तो 1200-1300 शिवजी के मंदिर है। और वहाँ कभी भी कोई राजा आज तक भी राजा है उस उनको उनके ऊपर दूसरे दुराक्रमणों ने मंदिर न गिराया नगर किले को जीता। ये बात अलग है कि उन्होंने दर्शन की लेकिन दूसरे धर्म वाले आकर उन मंदिरों को या उस छत्तीसगढ़ को जीते नहीं क्योंकि उनको पहले ही ज्ञात होता था कि मैं हमारे मंदिर पर हमारे पास कौन हमला करने वाला है तो उसको किस तरह जीता जाए। आप अगर केवल हमारे गांव में छत्तीस शिवजी की पूजा मिलती है तो छत्तीसगढ़ के आसपास आप सारी जगहों पर जाओ आपको मध्य प्रदेश में छत्तीस शिवजी के मंदिर मिलेंगे और छत्तीस शिवजी के ही अवतार इस संसार में श्रेष्ठ अवतार कहा गया। हम आज दुर्गा भवानी जी के बारे में कहते हैं कि माता जी का यहाँ पूर्ण फेस यानी पूर्ण मुख यहाँ गिरा था और दुर्गा भवानी शक्तिपीठ कहलाए। लेकिन इससे पीछे भी एक कहानी है कि रामचंद्र जी जब सीता माई को ढूंढने के लिए यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि माता के मंदिर के पास आए और माता के मंदिर पर नमस्कार करने के लिए आए तो शिव जी और पार्वती दोनों ऊपर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि ये कौन जा रहे हैं दोनों इतने आकर्षक है ये दोनों राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे थे ये क्यों जा रहे हैं बाण करके बहुत आकर्षित हैं इनके ऊपर क्या है। शिव जी ने कहा नमस्कार करो मैं जितना रोज चिंतन करता हूँ वही रामचंद्र जी है मैं रोज राम नाम का जप करता हूँ यह वही राम है आज वनवास फिर राम है तो वनवास में भोग रहे हैं। बोले एक तपस्वी रावण है उसको मारने के लिए उनको 14 साल का वनवास भोगना ही है अपनी स्त्री के साथ रहकर रावण ने पाया था और लक्ष्मण को भी यही वैद्यनाथ को मारने के लिए यही वरदान था। जो मनुष्य 14 वर्ष उपवास करेगा जो अपनी शादी होकर के स्त्री के साथ ब्रह्मचर्य के साथ रहेगा वही मेघनाथ को मार सकेगा और यही काम लक्ष्मण के साथ हुआ और यही काम रामचंद्र जी 14 वर्ष उपवास में रहे सीता के साथ लेकिन उन्होंने कभी भी उपभोग नहीं किया सीता का और यही कारण था कि रावण को रामचंद्र जी मार सके। अरे रावण इतना श्रेष्ठ इतना शक्तिवान था कि उसको मारने के लिए रामचंद्र जी को भी तपस्या करनी पड़ी। इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं और ये कारण रहने के कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि इस विधान को करने के लिए एक शक्तिशाली पुरुष को करने के लिए अपने को मार्गदर्शन करें। अगर तुम्हारे जीवन में अच्छा मार्गदर्शन हो कि मैं क्या करने से मुझे अच्छी संतान क्या करने से मैं बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूँ क्या करने से मुझे नौकरी अच्छी मिल सकती है मैं महान बन सकता हूँ
ऐसा अगर आपको निरंतर मार्गदर्शन मिलता है, आपकी रक्षा करते हैं, आपके घर में कोई बीमार ना हो, इसकी क्रिया करते हैं, तो आप स्वयं सफलता पे लाए जाएंगे। मुझे कोई किसी ने कहा कि आज यहाँ नहीं, तुम पुणे में जाओ, सैलरी अच्छे हो जाओगे, या धारा शिव में जाओ, जाके बिजनेस करो, तुम अच्छे हो जाओगे, ये बात तुम्हारे को भी अच्छा बताने वाला है, तो तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा वहाँ सफलता तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और मैंने अभी बता रहा था जैसा शिवजी और पार्वती जा रहे थे, तो शिवजी ने माता पार्वती ने कहा कि दोनों कौन जा रहे हैं, तो राम लक्ष्मण हैं, सीता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो रामचंद्र जी तो उन्होंने कहा कि ऐसे अकेले अकेले तुम शादी नहीं की क्या सीता? अरे सीता को उठाने गए तो पार्वती माता ने कहा तो दूसरी शादी कर लेना था, सीता को उठा गया तो उसमें क्या है? तो शिव जी हंसे और बोले रामचंद्र जी के शरण में एक पत्नी व्रत है, अपने एक पत्नी से दूसरी पत्नी को करने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने एक अच्छा पुरुष कभी एक पत्नी हुआ है? आप भी क्या बात करते हो? शिव जी को हंसते हुए माता पार्वती ने कहा कि पुरुष कभी एक स्त्री को पकड़ के नहीं रहता, अगर फुट गई तो दूसरी पुरुष से जाता ही जाता है। तुम कहते हो कि रामचंद्र जी स्त्री के पीछे नहीं जा रहे, ये कैसा हो सकता है? तो शिवजी ने कहा ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी एक पतिव्रत होकर ही जा रहे हैं आपको। तो उसने कहा आप अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। शिवजी ने कहा ऐसा मत कर, वो मेरे देवता है, मैं जिनका नाम लेता हूँ ऐसे देवता है, तो ऐसा मत कर। पार्वती ने कहा एक बार परीक्षा करने में क्या गलती क्या है? तो उन्होंने माता पार्वती ने थोड़ी दूर जाकर एक सुंदर स्त्री के वेश में जाकर रामचंद्र जी के सामने खड़े हुई। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जा रहे थे तो दोनों स्त्री के सामने स्त्री के रूप में खड़े रही और रामचंद्र जी के तरफ कटाक्ष मुद्रा के साथ देख रही थी। तो रामचंद्र जी देखे और एक मन में एक बार अपने गुरु को स्मरण कर लेकर हंसे और कहा कि माँ तू यहाँ क्यों खड़ी है, अकेली क्यों खड़ी है? तो माता को एकदम ऐसा लगा कि इसने मुझे पहचान लिया, मैं पार्वती हूँ। और शर्मा के शिव जी ऊपर धंधी पर बैठ कर हंस रहे थे कि तो रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत है और किसी भी प्रकार पीड़े हैं। फिर भी उन्होंने प्रयत्न करना चाहा और फिर दूसरी बार इस स्थान पर आई और फिर उसने सीता का ही रूप धारण करके खड़ी हुई। सीता का रूप धारण करके जैसे खड़ी हो गई तो रामचंद्र जी फिर देखे और नमस्कार करके कहा माँ ये क्या कर रहे हो, तू लजा भवानी, तुझे लाज आनी चाहिए कि तू क्या कर रही, सीता के रूप में मेरे सामने खड़ी हुई, इसलिए हम जिसको तू लजा भवानी कहते हैं, तू लजा भवानी का एक भवानी तुझे लाज आनी चाहिए, तो सीता के रूप में मेरे सामने खड़ी रहती। और माता पार्वती को बहुत ही दुख हुआ कि ये उसने कहा और शिव जी ने कहा तू मेरे रामचंद्र जी की परीक्षा लेती है, ऐसा ये ठीक नहीं है। और कहा कि रामचंद्र जी को श्रेष्ठता के साथ उन्होंने ये करते हुए कहा कि प्रभु आज तुमने जिसे तू लजा भवानी कहा है इसमें मैं यहाँ इसी रूप से संपन्न होकर देवताओं की रक्षा करे। और रामचंद्र जी का मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, तू यहाँ इसी रूप में रहते हुए हमारी रक्षा कर, ऐसा हमने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना हमने सुनी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ कि हमने माता की उस श्रेष्ठता को नहीं जाना और माता जी के उस अवश्य रूप को नहीं जाना। और तब कहती है कि तू जिस रामचंद्र जी को माता कहती है कि तू जिस रावण के पास जा रहा है उसके पास 64 योगी की विद्या है और उस 64 योगी की विद्या को तोड़ने वाला केवल एक ब्रह्मचारी ही हो सकता है। और उस 64 योगी की किले को तोड़ने वाला पहला ब्रह्मचारी था हनुमान जी, उन्होंने उस 64 योगी की पूजा को तोड़ी और रावण की मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार हमारे जीवन में जिसके जीवन में केवल 64 योगी का यंत्र हो और केवल ये एक दिन की साधना है, ये निरंतर करने की साधना, मुझे पता है आप 10-10 दिन 11-11 दिन साधना नहीं कर सकते ना, आपके जीवन में कोई समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आप करने से पहले मैं अगर एक प्रश्न करूं तो आप मुझे 10 प्रश्न शुरू कर देते हैं। मैं बोला अगर 11 दिन साधना करने हैं तो मुझे सुबह करना है या शाम करना है, एक समय खाता करना है, दो समय खाके करना है, उपवास में करना है या फिर बैठ के करना है या उठ के करना है, सो सकते हैं क्या कुछ घर में कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं, मैं उस प्रश्न से परेशान हो जाता हूँ कि इनको साधना क्यों किया, बोलना ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कम से कम अगर एक दिन भी अब मैं 10 दिन की 5 दिन की 3 दिन की साधना छोड़कर एक ही दिन की साधना और यही करवा रहा हूँ, घर पे जाने और साधना भी नहीं होती। मैं आज बहुत सारे लोगों को ये जानकर कहता हूँ गुरु जी बहुत सारे तुम्हारे यंत्र पेटी में पड़े हुए साधना ही नहीं हो रही, पूरी डाल के रखा हूँ। मैं बोला काहे को दिया है, इनको देना नहीं था, अच्छा है न लेने से अच्छा है। तो ये निर्णय करता हूँ कि कभी भी अगर साधना करे तो तुम यही करो, मेरे सामने करो और खत्म, यहाँ से ही वो सिद्धि ले जाओ जो मैं चाहता हूँ।
मैं आपको यह बात इसलिए समझा रहा हूँ कि हम यही हैं जिसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ योगिनी साधना हो उसके जीवन में एक श्रेष्ठता है। मैं आज की साधना में ये बात जरूर कहता हूँ, जिसने इस चतुर्थ योगी की साधना आज 108 आहुतियां केवल देकर अगर उस यंत्र को अपने सिरहाने रखकर सो जाता है तो उसको उसी दिन तुम्हारा भाग्य कैसे बदलेगा माता दर्शन के लिए। तुम्हारे जीवन में इसका उदाहरण देता हूँ कि वो उस यंत्र को अगर तुम तुम्हारे सर के नीचे रख लेते हो और सो जाते हो जैसे मैं सहना करना करता हूँ वैसे सहना, तो तुम्हारा भाग्य किस तरह चमकेगा, तुम्हारे जीवन में किस प्रकार की बाधा नहीं आएगी और तुम क्या करोगे, तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, सिद्धि प्राप्त करोगे, श्रेष्ठता प्राप्त करोगे, माता दर्शन देकर तुम्हें तुम्हारी सहायता करेगी। ये चतुर्थ योगी यंत्र तो पहले बनता ही नहीं और बना भी तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है और यंत्र बनाने के लिए हम देखते हैं अष्ट लक्ष्मी, अष्ट विनायक, अष्ट भैरव, इस प्रकार अष्ट नाम के आठ प्रकार के देवता हैं जो कष्टों में साथ देने वाले देवताओं को अष्ट आठ से कहा। हम पूछते हैं इन आठों को, ये आठों की देवता जिस प्रकार बने, सभी लोग चौसठ योगियों से एक एक योगिनी इनके पास से आई और ये आठ आठे चौसठ आ गया और आठ से आठ बना करते हो तो चौसठ बनता है और ये चौसठ योगिनियां उस चौसठ योगियों के साथ बाहर आकर इन सारे देवताओं के साथ कष्टों को निर्मल करते हैं। अपने वो निर्मूलन करने वाले भगवान गणपति हैं, तो लक्ष्मी प्रदान करने वाली अष्टलक्ष्मी हैं, भैरव हमारे को भय से मुक्त करते हैं। इस प्रकार चौसठ योगियों में अष्ट प्रकार के आठ प्रकार के देवता हैं और उस चौसठ योगिनी में चौसठ प्रकार की योगिनियां वहां स्थित है जो शिव और पार्वती के शरीर से बाहर आई। आज वह एक ही दिन की साधना है और इस दिन इस साधना में यंत्र को सामने रखकर केवल मैं जो बोलता हूँ जिसे लवंग जायफल फूल आदि यंत्र की सामग्री के साथ भी लिखा हुआ है वो माता के नाम बोलते हुए यंत्र पर चढ़ाओ और केवल 108 आहुतियां दे दो और आप यंत्र को ले जाकर आपके घर में जाकर आज कल कब तीन दिन में कभी भी आप आपके अष्टमी तक आपके सर के नीचे सो जाकर कोई भी, लेकिन सोते समय एक बात याद रखना आपका सोने का जो जगह है या सोने की जो चादर वगैरह है वो स्वच्छ हो अच्छी हो और उसको सिरहाने रखकर यंत्र सो जाओ। अब ये प्रश्न पूछो कि मेरा भाग्य किस प्रकार खुलेगा या मेरे पति का भाग्य या मेरे बच्चों का भाग्य क्या होगा, तो आप निश्चित रूप से माता प्रसन्न होकर मैं कम से कम दर्शन देकर तो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ऐसी इस दिव्य चतुर्थी साधना को आज आपके सामने मैं देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। आप लोग जो आज तक ये साधना नहीं करें, आपके जीवन में अगर मार्गदर्शन चाहते हो, आपके बालकों के लिए किसी के पास न जाए और आपका भाग्य खुला रहे, आपके भाग्य के भाग्य रहा भागीदार आप ही बनो, अगर ऐसा चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न, आपके प्रश्न की सफलता आपको प्राप्त होगी। आप इस चतुर्थ योगी साधना के यंत्र को अगर लेकर यहाँ आते हैं तो मैं ये साधना आपसे अभी करवा देता हूँ और उसके बाद आहुति भी दिला देता हूँ और यंत्र को सिद्ध करवाते ही भेजता हूँ आपको। यही मैं आपको घर को जाने के बाद यहीं से साधना सिद्ध करवा के भेजता हूँ। आपको 15 मिनट का समय देता हूँ, यज्ञ जो भी चाहते हैं वो साधना का यंत्र लेकर यहाँ आ जाए, मैं आपको साधना यही करवा देता हूँ और आपके जीवन की अभिलाषा, आपके जीवन का जो भी इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने की प्रयत्न करता हूँ। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की बाधाएं हो, किसी प्रकार की बाधाएं, वो बाधा क्यों आई और बाधा क्या करने से निर्मूलन होगी, इसका उत्तर आपको इस मार्ग से मिल जाएगा। मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, आप उसमें यंत्र लेकर यहाँ जाओ, मैं साधना है आपको यहाँ करवा देता हूँ। बोलो परम पुण्य से।